तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा साडी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत है। अज गल करांगे दो तीन वड्डियां खबरां दी। सब तो पहली गल करांगे पर्ल ग्रुप दे मालक निर्मल सिंह पंकू नाल ठगी मार गया। उहदा अपना ही एक चेला, चेला भी कोई छोटा मोटा नहीं, कांग्रेस दा एक साबका विधायक है प्रीतम सिंह कोट भाई। एक जमाने निर्मल सिंह पंगू की कंपनी कम करता थी, सारा कुछ सीखा पंगू तो, फिर अड हो के अपनी चिटफंड कंपनियां चलाईया, बड़े नोट कमाए छापे। उन्हें पता थी पंगू पैसे किमें कमा है, उन्हें पता थी पंगू का कम करने का तरीका की है, पुराना जाणू सी अंदरों खात्यों हर तरह नाल। और एक दिन मार गया ठगी। गल करते हैं किसी केस के सिलसिले में प्रीतम सिंह कोट भाई पुचो तो पुराना कांग्रेस का MLA उसे ते केस हो जाता तो वह अपनी जमानत करवा लेंदा। उस तो बाद 2020 के करीब बठिंडा जेल निर्मल सिंह पंगू पर्ल ग्रुप का मालिक जिहड़ियां सारियां प्रॉपर्टीज़ देश भर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीज करके SEBI के हवाले कीतियां हुईयां ने, ते जस्टिस लोढ़ा पुराने जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने उन्हां दी कमेटी बनी हुई है जिहड़ी एक एक करके पंगू दियां प्रॉपर्टीज़ बेच रही है। उहदा सब तो वड्डा दफ्तर है मुंबई के SEBI हाउस में, SEBI SEBI ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिदे हवाले पंगू दियां सारियां प्रॉपर्टी 35-40 हज़ार करोड़ दियां कहिंदे ने। इन्ना पैसा लोगों का देना, ये पैसा दे नहीं सकते सी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करता कि इन्हां दियां सारियां प्रॉपर्टियां बैंक बैलेंस चल अचल संपत्तियां देश विच ते देश तो बाहर वो सारियां नूं बेच के नीलाम करके गरीब लोगों का पैसा जड़ा लग्या उन्होंने वापस किया जाए। बहुत पुराना केस है, बड़े सालों तो चलता सी और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर अमल में लियाने लिए SEBI नूं जिम्मेदारी दी गई और SEBI दे उस काम की जिम्मेदारी दी गई जस्टिस लोढ़ा ने। उन्हों का ऑफिस SEBI के ऑफिस के अंदर ही सैकंड फ्लोर से मुंबई के बादरा कुरला कंपलैक्स, उतों हुण सारियां प्रॉपर्टियां दी सेल की जा रही है। उन्हां को ब्रांच होर भी शहर च हैगियां पर मेन कंट्रोल सारा SEBI दे ऑफिस विचों ही हो रहा, वो अपने आप च एक वक्खरा इशू है। वो कंपनी जिहड़ी एक जमाने च हिंदुस्तान दियां वड्डियां चिट फंड कंपनी च गिणी जांदी सी। इस तो पहला सहारा परिवार का किस्सा भी तुहानूं पता होना। उस तो पहला एक कलकत्ते की होर एक कंपनी हुंदी सी, उहदा भी तुहानूं कित्थे पता होने आ। वो बड़ा चिर वो कंपनी चलती रही, अज भी चल रही है, पर किसी ना किसी तरीके नाल वो पीयरलैस उहदा नाम सी कंपनी का। उस तो पहला एक मद्रास कंपनी चलती सी जितों सारे कपड़े शुरू हुए, मद्रास वाली कंपनी तो कम सीख्या पीयरलैस कंपनी ने, पीयरलैस कंपनी तो कम सीख्या निर्मल सिंह पंगू ने। निर्मल सिंह पंगू तो अगे कम बड़े लोगों ने सीखे और बड़े लोगों ने थोड़े साल तो बाद ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जाण के अपने अपने ताणा बाणा बिछा लिया, लोगों नाल ठगिया मारन दा लुटण दा, और गरीब आदमी फसते गए, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, रिश्तेदारियां टुटियां। कई बार इस तरह हुंदा सी परिवार के एक बंदे ने पर्ल ग्रुप की स्कीम च पैसे लाते कि अज तुसी इन्ने पैसे लाओ इन्ने साल तुहाडी आमदन डबल हो जूगी, तुहानूं जमीन भी मिलेगी, तुहानूं जमीन ते जो प्लांटेशन ला रहे हैं रुख ला रहे हैं उन्हां दी आमदनी जिहड़ी उह तुहाडे लई बोनस। बड़े अजीबो गरीब किस्म के लालच दिते गए। शुरू शुरू च लोगों ने चंगे पैसे कमाए, उन्होंने अगे अपने रिश्तेदारों, कई जगह पर सहुरे ने अपने जवाई तो इन्वेस्टमेंट करवा दी, कि सहुरे ने अपने
जवाई ने अपने साले तो इन्वेस्टमेंट कराती, कितने भाई ने अपने जीजे तो कराती, जदों डुबे सारे तो रिश्तेदारियों च फर्क पैने शुरू हो गए और कई रिश्तेदारियां यहोजियां होंदियां जिहड़ियां छड्डियां नहीं जा सकदियां। एक पासे तो वह बेचारियां दा नुकसान ये परल ग्रुप करके हो गया, दूजे पासे जो बचिया खुचिया सी वह बेच के अपनियां रिश्तेदारियां बचाउणियां पईयां, उस चक्कर च कई घर बर्बाद होए, रिश्ते भी खराब होए। तो ये कोई माड़ा मोटा केस नहीं सी, 35-40 हज़ार करोड़ रुपया बहुत वड्डी गल, लेकिन सारा परिवार वाले वो पोलिटिकली वैल कनैक्टड सी, सारे पासे उन्हां दी पहुँच सी, उन्होंने काफ़ी पैसा संभाल के भी रख्या होया सी, वध पछेदा दे दुआ के कई साल सहारा इंडिया दे मालक तिहार जेल च रहे, बड़िया फैसिलिटीज भी मिलिया, ते पैसे भर लो क्या जिन्ने हौली हौली वह भी भरते, ते आखिर जेल चो बाहर आ गए। लेकिन निर्मल सिंह पंगू अजे भी तिहार जेल च है, उन इन बिटवीन कई बारी कदे एम्स हॉस्पिटल, कदे चंडीगढ़ के IV हॉस्पिटल, कदे किसी होर हॉस्पिटल, बीमारियां भी कई ने, उन्हें चो जैन्यून भी कई ने, तो उन्हां बीमारियां दे इलाज लई बहुता समा हस्पतालां च भी कटिया, अजे भी कई बारी हस्पताल जाना पैंदा। लेकिन बठिंडा जेल च 3 साल पहला एक होर केस बढ़ती, बठिंडे भी बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पर लाड़े तो देखे होना पल सिटी बनया, उ बनया तो बहुत खूबसूरत है, हूँ उत्ते की धांधलियां हुई वो पता नहीं, पर उस चक्कर बठिंडा जेल इन्हों का पुराना चेला प्रीतम सिंह कोट भाई मिलना दा, ये प्रीतम सिंह कोट भाई उ जिन्हें 1984-85 के करीब निर्मल सिंह पंगू की कंपनी परल ग्रुप वो ज्वाइन की। मेरी अज इन्हे कुछ पुराने बंद गल हुई जोड़े अज भी पंगू के टच ने, इन्होंने बड़े सालों तो काम किया, मैं तकरीबन इन्होंने सारे जिन्हें डायरैक्टर ने कंपनी ने होंगे सी, जिन्हों चो अदों वो हूँ जेलों बैठे हैं, मैं सारे जानता, क्योंकि इन्हों की एक इन्होंने TV कंपनी खोली थी, उसका नाम से P7, वो एक टेली न्यूज़ चैनल सी हिंदी, पूरे हिंदुस्तान चलती थी, एक जमाने दिल्ली बहुत बड़ा स्टूडियो भी बनाया थी, बड़ा लंबा चौड़ा अमला फैला रखा, जिदा इन्हों का डायरैक्टर हुंदा सी केसर सिंह, जिहड़ा एक जमाने थिएटर नाल जुड़िया बंदा सी, मैं उन्हूं थिएटर दे हिसाब नाल जानदा सी, बाद दीआं रिश्तेदारियां कुछ इस ग्रुप च हो गई, तो उस बंदे नूं मैं पुराना कितें जानदा सी, बाद भुल भुला गए, वो दिल्ली दूरदर्शन लई एक जमाने छोटे मोटे सीरियल बनाउंदा हुंदा, वो कुछ अपनी जैक एंड किंग कोई इहो जी कंपनी नाल रखी हुई सी बड़ी वधिया, इहदा अपना नाम केसर सिंह के तो, इहदी वाइफ का नाम जे तो सी, इस तरह कुछ समथिंग कोई कंपनी थी, दूरदर्शन तो छोटे मोटे सीरियल बना के उहदे चक्कर च बंबई के बहुत सारे कलाकार जिहड़े केसर सिंह की कंपनी च काम करते सी, उहनां तो केसर सिंह का अता पता मिलता रहता सी। उन्हां जी मेरे एक मित्र से वरियाम मत तुसीं नाम सुनिया होना, बहुत वड्डे अहुदे तो दिल्ली सरकार दे रिटायर होए, वरियाम मत मेरे नाल पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा, इंडियन थिएटर करके गया सी, पहला इत्थे पब्लिक रिलेशन च काम किया, बहुत उस तो बाद ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जिहड़ा मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, उहदा फाइनली वो डेप्टी डायरैक्टर जां जॉइंट डायरैक्टर कुछ उह रिटायर होया, उहदे बेटे की शादी थी बंबई 2012-13, तो मैनू नहीं पता, मैं कदे उस तो पहला टैलीविजन कंपनी च नौकरी नहीं की, मैं तो 2012 DNA न्यूज़पेपर रिटायर होया, जिहड़ा उस समाने मुंबई का सब तो वड्डा न्यूज़पेपर गिणिया जाता सी, सर्कूलेशन के हिसाब नाल टाइम्स ऑफ इंडिया नूं बराबर की टक्कर दे रहा सी, दैनिक भास्कर और दी न्यूज़ का वो सांझा वेंचर सी, मैं उतों रिटायर होया 62 साल की उम्र च। खैर मैनू वरियाम मस्त का फोन आया कि मेरे बेटे की मुंबई शादी है, वो लड़की वाले बंबई रहते थे,
ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਮੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁੰਬਈ ਉਸ ਵਰਿਆ ਮੱਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ P7 ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ P7 ਭੰਗੂਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਮਿਲਣਾ ਖੈਰ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ P7 ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਫਿਸ ਸੀ ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਖੈਰ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਗਲਤੀਆਂ ਤੰਗਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਖੈਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ P7 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੰਗੂ ਹੋਆ ਜੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਭੱਗੂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਗੂ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਭੱਗੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਠਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੋ ਕੰਧੋਰੀਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਗਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਿਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
उस तो बाद उस प्रॉपर्टी से कोई केस नहीं चल सकता, कोई क्लेम नहीं पा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर की अदालत है। पर लोगों से अभी तक बहुत सारिया शंकावान ने शक है कि प्रॉब्लम वाली प्रॉपर्टी आदि खरीदनी कल कित केस ना हो जाए, वो नहीं होता। पर लोगों से इस गल का प्रचार भी नहीं किया गया ज़्यादा कि तुम ये प्रॉपर्टी लै लो, ये कोई नुकसान नहीं है। खैर वो एक वखरा इशू है। हूँ 2020 के करीब नड़े तड़े कि जो मैं बंद आए थोड़े को बहुत सारे बंदे जानते हैं, उन्हां तो कई बंदे हुण जमानता ते बाहर भी आ गए, मेरी गलबात हुई उन्हां नाल। उन्हां दे कहण दे मुताबक भगू नूं इह बंदा प्रीतम सिंह कोट भाई बठिंडा जेल च मिलदा, कहिंदा देखो जी मेरी मैं एक्स एम एल ए भी रहा, पोलीटिशियन आ बड़े बड़े लोगों ने मेरी जान पछाण आ, तो तुसीं एवें जेल च बैठे सड़ी जाने हो, परचा कुरचा करो, मैं तुहानूं छुड़ा दिंदा। उन्होंने भगू दी वीकनेस पता थी, भगू गल्लां च आ गया, मन गया। इस बड़े बंदिया ने भगू नूं बेवकूफ बनाया, मैं बड़े बंदिया नूं जानदा जिहड़े मुंबई करोड़ा करोड़ा रुपया के फ्लैट जिहड़े भगू दे सी उह कब्जा करके बैठे आ, कागजात मैनिपुलेशन करके। एक गैसट हाउस थी, वो एक पुणे का पार्टी खा गया, पार्टी खा गई, तो बड़े बहुत वड्डियां प्रॉब्लम। भगू दुखी होया बंदा जेल च बैठा, कदे हस्पताल कदे जेल, पैरों नूं बेड़ी लाई हुंदी सी हॉस्पिटल दे बैड ते भी, दो पुलिस वाले पैरों थले सराड़े बैठे हुंदे सी, तो बड़ी अजीब हालत हुंदी आ। वह बंदा जिहड़ा एक जमाने च करोड़ां च खेलदा होवे ते बाद च हस्पताल दे मंजे ना सगलां दा गिट्टा बन के पाया होवे, बड़ा अजीब ता लगदा। खैर इस बंदे ने भगू नूं मना लिया और भगू जेल अंदर बैठा। उन्हें अपने पति से छिंदरपाल को कहा, छिंदर कि तू किसी तरह पैसे दुर दुरों करके इनू दे दे, सौदा होया कोई 3.5 करोड़ से कि 5 करोड़ तो नहीं, तू 3.5 करोड़ लै ला ते मेरी जेल से छुड़ा के तरह जमानत करवा दे, कोई किसा तरीका जुगाड़ ला के, बाकी 1.5 करोड़ भी देखा के दे दिया के बाहर आके, पर अजे 3.5 करोड़ अरेंज करके देने। तो जो छिंदर ने अपने होर एक दो सलाहकारां नाल मिल के, उन्होंने भी पुराने खिडारी ने इशू किया कि असीं फलाने किसे पैसे तो बंदे तो पैसे उधार रहे आ, वो तो पैसे अपने खाते च पा के अपने खाते चो इस बंदे तो मन पुछया गया होर भाई तो कि असीं किहड़े अकाउंट च पैसे पाईए। हुण देखो ठगी मारन वाला बंदा एक छात्र ठग कोले जाके फस जांदा, पैसा तो लिया सी एक रिश्वत पेल कराने लिए जमानत कराने लिए, पवा रहा अपने खात्या, पर चलाकी की थी तो उन्हें अपने खास जिमें आड़ती उड़ते होंगे इस तरह के जोड़े अकाउंट मैनेज करते हैं उन्होंने खात्या जो पैसे पवाते, किसी के 50 लाख किसी के 1 करोड़ इस तरह कर करा के 3.5 करोड़ रुपया उन्हें कुछ 6 बंदिया के कोई खात्या पवाता। हूँ इस गल हो गए 3 साल, जमानत हो नहीं रही, कैश का फ्लो बंद होया होया, पैसा कितों आ नहीं रहा, कोई तंगी थोड़ी आई होनी है। जेल च बैठे उसका खर्चे बहुत होंगे फैसिलिटीज लैन लई, उत्थे सहूलत लैन लई, कई लोगों का मूँह जेबा मूँह बंद कर ली, जेबा भरनिया पैंदियां, उन्होंने फिर अपने पैसे वापस तो मंगने शुरू किए। ये भाई साहब ने हाथ खड़े करते, सबका MLA साहब ने कहने मेरे को पैसे है नहीं। अल्टीमेटली छिंदर ने एक कंप्लेन लुधियाना की कि आ साडे नाल ठगी बज गई, और उस कंप्लेन ते काम करदिया होया 6 बंदिया ते FIR रजिस्टर की गई, 6 चो 3 बंदे फड़ ले गए आ, 3 अजे भगौड़ा ने जिन्हों चो XMLA प्रीतम सिंह कोट भाई भी है, अजे तक हाथ नहीं आया। अज भी तो कल आजूगा जे कि कनेडा ना भज गया हो गए। अजक हर बंदे को लास्ट रिजॉर्ट जरा कानून तो बचना हो, भजना हो तो कनेडा अमेरिका चले जाओ, कोई नहीं पुछ लो। पुराने DG भी भज गए, कई होर बड़े अफसर भज गए, होर भी भज जाएंगे, उतने सेफ है वन। सो उन्होंने हूँ देखो पुलिस कितों फड़ती है। पर कल जो लुधियाने के पुलिस कमिश्नर इस गल की रिपोर्ट कर रहे थे मीडिया नाल दस रहे थे
उन्होंने एक फिकरा बोलिया, चोरां नूं पै गए मोर। मैं भी बड़े सालों तो बाद कहावत सुनी सी, कहते ठग दी जेब च चोरी, इहो जिहियां कहावतां पुरानियां हैगियां। ये गुरु जिन्हां दे चाटड़े चेले जान छड़प, तो जो तरकीबां गुरुआं तो सिखियां तो चेलिया ने उही अपनाउणियां हुंदियां। अगे गुरुआं तो चेले अगे वध जांदे, पर हुण देखण वाली गल आ कि इन्ने चिरा बाद की कोई पैसे की रिकवरी होगी। हुण उह पैसा रिकवर करन दा तरीका की है? इन्ने सालां तो खा पी गए होणे, उड़ा भी दिता होणा, कितें दी कितें ट्रांसफर हो गया होणा, जां उह लोक जिन्हां दे खातियां 'च पैसा गया वो अपनी जान बचाउण लई अपनी जेब चो देण, XML ने मुकर जाना, मेरे को है नहीं, अनलैस कम फॉरवर्ड आ जाए भी वह बयान हों की हों पता लगेगा। खैर तो दोस्तों एक जिनू पुलिस कमिश्नर सामने तो भावें मखौला कहता मनदीप सिंह सिद्धू ने चोरां नूं पै गए मोर, पर हुण आने वाले दिनों देखना होगा वो जड़े मोर सी वो किहड़े चोरां तों पैसा लैके आउंदे वापस देण लई। ये बड़ी सीरीयस गल थी। इहो जी एक होर गल ते आउणा, कैनेडा 700 विद्यार्थियों का फ्यूचर दाव ते लग्या होया सिर्फ एक ठग की वजह करके। ब्रजेश मिश्रा इन्ने महीनों तो पंजाब के वो स्टूडेंट जिहड़े उत्थे फसे आ वो शिकायत कर थक के पंजाब सरकार नूं कि ये बंदे ने साडे नाल ठगी मारी है, जलंधर च दा दफ्तर हुंदा सी, सानू फसा के पैसे लैके हुण आप भुल हो गया, असी इन्ने करोड़ां रुपये खर्च करते ते साडे सारे कागज ने गलत बनाए, हुण सानू सरकार वापस भेज रही है। ना तो साडी डिग्री की कीमत है जिहड़ी जिथे सानू इन्हें एडमिशन दवाई, तो ना सानू कोई नौकरी मिल सकती है, ना असी इस देश रह के कोई होर काम करके अपना घाटा पूरा कर सकते हैं। सानू तो वापस देश जाना पैना, पूरी जिंदगी खराब होगी। जिन्होंने कर्जा लेके जमीना जायदाद गहने रख के एजुकेशन लोन लिया गए, बड़े बड़े वे सपने लए से कनेडा जावे, 50-70 साल बाद कर्जा ला देंगे, वो सारे चकला चूर हो गए। हुण वो ठग ब्रजेश मिश्रा वो शख्स इतों भज के कनेडा जाता, बड़ी हैरानी की गल है कि उन्हें पता नहीं कि कनेडा जाके फड़िया जाऊगा, जां उन्हें यह लगता होगा कि इतों का कानून जरा होर किस्म का, कनेडा का कानून होर किस्म का, उन्हें बड़ा शातर अपराधी लगता, उन्हें जरूर कनेडा च अपने वकीलों का सलाह की होनी है कि उत्थे अगर मेरे खिलाफ चार्ज सिद्ध होंगे आ उत्थे सज़ा घट होगी। दूजी गल उतों दियां जेलां च फैसिलिटी चंगियां मिलदियां, घर नालों चंगियां जेलां ने। तीजा उत्थे उहदे नाल थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा, कुटमार नहीं होगी, रिश्वत नहीं मंगी जाऊगी, उतों पैसा ठगया नहीं जाऊगा, तो जो उन्हें कमाउणा सी उहदा कमा के बैठा। हुण कैनेडियन लॉ के हिसाब नाल उहने बहुत स्टडी किया होना, इस करके बड़े आराम नाल जदों पता लग्या, जदों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान आ गया, ट्वीट आ गया कि असी उस एजेंट ते कार्रवाई करांगे जिन्हें साडे बच्चों नाल लुटमार की है, ठगी मारी है, बेवकू बनाया, वो बड़े आराम नाल पत्रा वाज के कनेडा वीज़ा उन्हें पहला लुआया होना, कनेडा च बिजनेस करदे सी, एजुकेशन का बिजनेस, कोई 10 साल का वीज़ा लग्या होना, जिन्नी वारी मर्जी आओ जाओ, पहला भी कई बार गया होना, तो सारा कुछ सोच समझ के वो शातर ठग वो कनेडा पहुँच गया, जिथे उन्हें एयरपोर्ट तो ही कनेडियन पुलिस ने फड़ लिया। हुण उहदे ते चार्जेस लगाए ने कि वो शख्स ने मिसरिप्रजेंटेशन ऑफ फैक्ट इनफॉर्मेशन करके लोगों को बेवकूफ बनाया। हुण अगे देखने वाली गल होनी आ कि वो बंदा अपनी सफाई की कहता, जे तो उन्हें कहता कि मैं सारे स्टूडेंट्स नूं पहला ही दसता सी कि आ यूनिवर्सिटियां दी आ हकीकत आ, इन्हां दी आ है, तो उत्थे जाके अजे तुसीं जिहड़ी यूनिवर्सिटी एडमिशन मिलदी आ वो लै लो,
लेकिन थोड़े दो चार महीनों तो बाद जड़िया रेकगनाइज रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज है उत्ते शिफ्ट कर दौ तो स्टूडेंट ने मेरी गल मान ली थी योजना बहानेबाजियां चलन गए कानूनी दाव पे चलन गए लेकिन एक तो पंजाब पुलिस की कुटमार तो बच गया एक जड़े पैसे देने पैने से रिश्वत देनिया से वो तो बच गया एक जड़ा इतने 15-20 साल केस चली जाना से कोर्ट कचहरी धक्के खाने से वो तो बच गया हूँ उत्ते जल्दी जल्दी फैसला हो जाना लिमिटेड की सज़ा होनी है शायद ना भी हो बाद उत्थे रहन लग जाने इतने आना ही नहीं पर 700 बच्चों के फ्यूचर नाल तो आदमी खिलवाड़ कर गया एक ठगा तो छात्र ठगा तो बचने की बड़ी जरूरत इस मैं होर किस्सा याद आया छात्र ठगा का एक सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से बंद है मास्टर कौन मैं सब तो वड्डा ठग हजारा करोड़ रुपए वो आदमी ठगी चोरी मार के कमा के बैठ पॉलिटिक्स ग्रुप जरा एक जमाने हुंदा सी मनविंदर सिंह शविंदर सिंह उन्होंने जेल से उन्होंने भरा गए तो उन्होंने एक ही घर फोन करके कहना मैंने 200 करोड़ रुपया दे दो मैं थोड़े दोनों बंद की बेल करा दूंगा बार करा दूंगा आप जेल से बैठा लेकिन चक्कर योजा चलाया कि वो औरतां घर दियां ने 200 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उन्होंने दे भी दिता जेल से बैठा दूजे की जमानत कराने लिए 200 करोड़ रुपया लै गया हम 200 करोड़ रुपया तुम देखो पंजाब सरकार ने जी पेनशन पर 200 रुपए का टैक्स लाया वो सरकार को एक साल में 72 करोड़ रुपए की बचत होनी है अंदाजा ला लो कि 3 साल की बचत जी थी उन्ने पैसे वो आदमी दिल्ली की तिहाड़ जेल से बह के ठगी मार के कमा गया है ना बहादुरी का कम सो दोस्तों ये ठगा छात्रा इन्हों तो बचने की बहुत लोड़ है बड़े सोच समझ के जिंदगी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है कि भी वड्डा रिस्क वड्डे पैसे का उदों तक ना लवो जदों तक तुम पूरी तरह उस आदमी की कंपनी की वो बिजनेस की बैकग्राउंड चंगी तरह नहीं जानते तो आने वाले दिनों में इस किस्म के किसी कहानियां लेके फिर हाजिर होवांगे उदों तक तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया धन्नवाद।